ताकीद है कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह की तलावत जरूर करें, खाने से पहले बिस्मिल्लाह की, घर से बाहर निकलने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, और कोई भी काम शुरू करने लगें उसमें बिस्मिल्लाह जरूर पढ़ें। एक हदीस है पैगंबर सलाम की कि जिसमें आप फरमाते हैं कि कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युब्तदा बिस्मिल्लाह फहुवा अबतर, कोई भी ऐसा काम जो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है अगर बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हो तो वह अबतर रहता है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। काम का अगर नतीजा चाहते हैं किसी भी काम का तो फिर बिस्मिल्लाह की तिलावत जरूर कीजिए। तवज्जो है लोगों की, तो बिस्मिल्लाह की तिलावत की बहुत ज्यादा ताकीद की गई है कि कोई भी अगर ऐसा अमर है जिसकी आपके नजदीक अहमियत है तो बिस्मिल्लाह जरूर तिलावत कीजिए। अपनी आदत बना लें कि आपकी जिंदगी में बिस्मिल्लाह जो है वो जिंदगी का जुज हो, जिंदगी का हिस्सा हो, जिंदगी का एक आपके पार्ट हो, यानी आप कभी भी बगैर बिस्मिल्लाह की जिंदगी बसर ना करें। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह इस्मे आज़म से इतनी नज़दीक है जितनी कि आँख की स्याही सफ़ेदी से नज़दीक है, स्याही सफ़ेदी से मुत्तसिल है, जुड़ी। इमाम फरमाते हैं जितनी ये आँख की स्याही सफ़ेदी से करीब है इतनी ही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इस्मे आज़म से करीब है। जो इंसान आदत बना ले बिस्मिल्लाह पढ़ने की, इंसान की ज़िंदगी के अंदर हर काम सहल होता चला जाएगा। हत्ता बहुत से उलमा कहते हैं कि खुद से बिस्मिल्लाह की तस्बीह पढ़ना खुद इसके बेइंतहा फ़वायद हैं। मैंने खुद इसकी बेइंतहा इसके असरात देखें ज़िंदगी में अपनी, कि जब से आदत बनाई इसकी बेइंतहा ज़िंदगी में मैंने असरात देखे। अगर आदत बना लें तो खुद ब खुद आप देखेंगे कि कितना, हत्ता कार में बैठने लगे बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर काम से पहले बिस्मिल्लाह, इतनी आदत बना लें कि इंसान हत्ता जब गुनाह करने लगे तो कहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो खुद ब खुद सोचेगा आया मैं अल्लाह के नाम पर गुनाह करने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह आपको गुनाहों तक से बचाएगी। जो आदत बना ले बिस्मिल्लाह पढ़ने की, रिवायत के अल्फाज है रोज़े क़यामत जब फरिश्ते उनका नामा अमाल उनके हाथ में देंगे तो वो फौरन कहेंगे लाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना नामा अमाल भी लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, और जैसे ही अपने नामा अमाल को खोलेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए तो फौरन फरिश्ते को दोबारा बुला के कहेंगे तुमने मुझे गलत नामा अमाल दे दिया, ये मेरा नामा अमाल नहीं है। तवज्जो हो, तवज्जो हो, तो फरिश्तों से कहेगा इंसान के मेरा नामा अमाल नहीं है, मेरे तो गुनाह बहुत ज्यादा थे, तुमने जो नामा अमाल दिया इसमें कोई गुनाह ही नहीं है। तो वो फरिश्ते पलट के कहेंगे कि कैसे मुमकिन है जब तुम नामा अमाल को अल्लाह के नाम से खोलो तो उसमें गुनाह मौजूद होगा, जब तुमने अल्लाह के नाम से अपने नामा अमाल को खोला तो इसके अंदर कोई गुनाह दर्ज नहीं होगा, ये बिस्मिल्लाह की बरकत है जिस वजह से तमाम गुनाहों को महफ कर दिया गया। हजार ग्राम में अपनी आदत सानिया बना लें, कार में बैठने लगे कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाना खाने लगे कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी पीने लगे बिस्मिल्लाह, हर काम से पहले बिस्तर से उठते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्तर में सोने लगे हैं दोबारा बिस्मिल्लाह, हर आपकी आदत बन जाए कि आप हर जगह पे बिस्मिल्लाह पढ़ें। हज़रात-ए-गिरामी जिंदगी का जुज़ बना लीजिए।